नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, ये एक स्पेशल वीडियो है दशहरे के उपलक्ष में, और इसमें मैं लगभग 51,000 रुपये का एक पोर्टफोलियो बनाया हूँ। ये जब आप इसको फिगर करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 51-52,000 के आसपास होगा। करेक्ट ऑन द डॉट 51,000 का आप पोर्टफोलियो बनाना ये पॉसिबल नहीं गाइस, ठीक है? क्योंकि पहली बात, शेयर ऊपर नीचे रहेंगे। जब आप ये वीडियो देखेंगे, शायद वो एक दो दिन बाद देखें, शेयर या तो भाग चुका होगा या गिर चुका होगा। इसीलिए ऑन एन एवरेज 51,000 के 11 शेयर्स हैं। पहले मैंने 10 किए, फिर मैं बोला एक शगुन का जरूर होना चाहिए शेयर, इसीलिए 10+1 11 शेयर्स। तो दोस्तों, इसमें मैंने ये जो आपके सामने मैं 11 शेयर लेके आऊंगा, इसमें मैं कुछ वो पॉइंट्स रखूंगा जो मुझे इन शेयर्स में पसंद है, प्लस कुछ चीजें आपके लिए भी होंगी होमवर्क के लिए, ताकि आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से मैं बता दूं, पहले ये कोई डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी पर्सनल राय है इन शेयर्स के ऊपर कि ये शेयर अगर मेरे पास 50,000 के होंगे तो मैं इसे खरीदूंगा। और मैं बता दूं सबसे पहले डिस्क्लोजर के लिए, जो शेयर मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं वो या तो मेरे पास या शायद मेरी फैमिली मेंबर्स के पास, किन्हीं लोगों के पास हो सकते हैं शेयर ये दोस्तों, ठीक है? तो हर एक चीज क्लियर करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर बनने से पहले दोस्तों, एक लाइक बनता है दोस्तों इस वीडियो के ऊपर, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही पोर्टफोलियो स्टॉक्स, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज स्टॉक्स आपके नोटिफिकेशन बार पे आपके पास लगातार आते रहे। तो दोस्तों, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं शेयर्स की तरफ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मेरा शेयर है, मेरा फेवरेट आईटी का सबसे फेवरेट स्टॉक मेरा। अगर आप मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये शेयर मेरा फेवरेट स्टॉक है आईटी सेक्शन में, और वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। प्लस रीसेंट टाइम में आई गिरावट दोस्तों इसे और भी अट्रैक्टिव बना रही है, ठीक है? और आप देखिए इसकी सेल्स देखिए, लास्ट क्वार्टर में 20,000 करोड़ से ज्यादा की है। और दोस्तों, जब ये मैं बना रहा हूं, एचसीएल टेक का रिजल्ट आज आने वाला है 14 तारीख को, उससे पहले मैं बना रहा हूं, इसीलिए ये सेल्स के नंबर आने वाले जो रिजल्ट है उसमें चेंज हो सकते हैं, ठीक है गाइस? 20,000 करोड़ लगभग सेल्स है। नेट प्रॉफिट आप देखिए, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है गाइस। प्रमोटर्स होल्डिंग भी कितनी जबरदस्त है, 60.33। 3 साल की आप सेल्स ग्रोथ देखिए कंपाउंडेड एवरेज में 14% की। इतनी जाइंट कंपनी दोस्तों 14% की अगर आपको सेल्स ग्रोथ दे रही है तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है। और इसके पास कैश रिजर्व्स हैं बिल्कुल, 59,370 करोड़ के कैश रिजर्व्स हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आईटी कंपनीज को उतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है काम करने के लिए। हाँ, एक्विजिशंस में बहुत पैसे जाते हैं, और ये कंपनी जिस तरह आप देख रहे हैं डेट फ्री है, प्लस ये कंपनी के पास कैश रिजर्व है, और बहुत जबरदस्त इतिहास रहा है दोस्तों इस कंपनी का शेयर को लेकर के, शेयर परफॉर्मेंस को लेकर के। इसको आप 3 शेयर खरीद सकते हैं अगर आपको 51,000 का पोर्टफोलियो बनाना है। दूसरे शेयर की तरफ चलो दोस्तों, तो वंस अगेन मैंने आईटी को चुना है, जिसका नाम है टीसीएस। अनडाउटेबली बेहतरीन कंपनी दोस्तों, ठीक है? और हाल ही में आई Q2 रिजल्ट के बाद दोस्तों जिस तरह की गिरावट आई है, ये जबरदस्त मौका दे रही है इसे एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि इनके मार्जिन्स में हल्का प्रेशर दिखा है। ऑर्डर बुक तो ऑलमोस्ट जबरदस्त है दोस्तों, बिलियंस ऑफ डॉलर के इनके पास जो ऑर्डर बुक्स हैं वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, ठीक है? आप देखिए, आप सेल्स देखिए 46,000 करोड़ से ज्यादा की। नेट प्रॉफिट आप देखिए 9,000 करोड़ से ज्यादा की नेट प्रॉफिट है दोस्तों। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, टाटा ही कंपनी है, 72.9% की यहां प्रमोटर्स की होल्डिंग है गाइस। सेल्स ग्रोथ 3 साल की, क्योंकि जब भी सेल्स ग्रोथ आएगा दोस्तों याद रखिएगा, वो 3 साल की ऑन एन एवरेज है 10% गाइस, ठीक है? इतनी बड़ी जाइंट आईटी कंपनी अगर ऑलमोस्ट 10% चल रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कोरोना वायरस जब आया, ठीक है? उसके बाद जो आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस के बाद जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम चला है, ठीक है, उसके कारण जितनी आईटी कंपनीज हैं उनमें जबरदस्त अब उछाल देखे होंगे शेयर प्राइसेस में भी। और अभी जो रिजल्ट आए हैं इसके भी, लास्ट टाइम जो आए उसके बाद इनके मार्जिन प्रेशर आया, शेयर में गिरावट आई है दोस्तों। इट इज द बेस्ट टाइम टू एक्युमुलेट सच स्टॉक, ओके? उसके बाद कैश रिजर्व लगभग 96,000 करोड़ से ज्यादा की कैश रिजर्व। तो अब इससे बारे में तो बताना नहीं कि कंपनी कैसी दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में हैं, टीसीएस के बारे में ज्यादा टाइम इसमें नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट शेयर कौन सा दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं, आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प की से मैं एक चीज बता दूं आपको कि अगर आपकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे ना गाइस, आपको ये नेगेटिव दिखेगी, ठीक है? -2
प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है 34.76, ठीक है। आपको केवल दो शेयर रखने हैं आसपास, नंबर ऑफ शेयर्स। सेल्स देखिए 5500 करोड़ के आसपास की है। कंपनी डेट फ्री है गाइस, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखिए 256 करोड़ का, ठीक है। आप कैश रिजर्व में थोड़ा ध्यान देंगे, 15,000 करोड़ से ज्यादा का कैश रिजर्व है गाइस। और 5 साल में शेयर ने नेगेटिव लगभग -18% के आसपास इससे दोनों रिटर्न दिए। तो फिर मेरे ये पोर्टफोलियो में कहा है होना चाहिए आपके दोस्तों। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जितना हिकअप सहा है पिछले 3 सालों में और किसी सेक्टर ने नहीं सहा है। आप भले ही गवर्नमेंट के नॉर्म्स देख लीजिए, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस लगातार बढ़ना, 2 साल तक लगातार कोरोना वायरस का रहना ग्रहण, और अभी भी डिमांड उतनी अच्छी नहीं हुई है। बट अब चीजें बदलने की बात ही हो रही है दोस्तों। ईवी व्हीकल प्लस फेस्टिव सीजन प्लस दोस्तों रूरल इकोनॉमी ठीक होने की खबर है। क्यों? क्योंकि मानसून ठीक आया है। आप देखेंगे आने वाले समय में आपको ये शेयर अच्छा भागेगा। प्लस गाइस हीरो मोटोकॉर्प वर्ल्ड की नंबर वन है, रूरल इंडिया तक में जितना अच्छा नेटवर्क हीरो का है इंडिया में और किसी का नहीं है। तो आपको 2 शेयर इसमें रखने और लॉन्ग टर्म के लिए रखने, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं अगले शेयर की। तो अगला शेयर है दोस्तों देखिए ITC। ये जबरदस्त शेयर दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देखे हैं पिछले काफी समय से, ये मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है, ठीक है गाइस, और आज भी है। जब ये शेयर लोग इसका मजाक उड़ाते थे तब भी मैंने कहा है कि ये शेयर भागेगा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, मतलब मैं मानता हूं इसको। हाँ, लेकिन ये किन के लिए बेस्ट स्टॉक है? उनके लिए नहीं कि जो चाहते हैं पैसे फट से हो जाए डबल। दोस्तों देखिए, इनके जो सीईओ, उन्होंने एक विजन देखा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, और 3 से 5 साल की ये शेयर भागता है दोस्तों। 5% डिविडेंड देता है साल में ही, आपको रिजर्व दे देता है लगभग 10 से 15% के आसपास का रिटर्न। बट रिसेंट टाइम में दोस्तों, पिछले 1 महीने के अंदर इसने 20% के आसपास के रिटर्न ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को दे चुके हैं। इसीलिए मैंने केवल 12 ही स्टॉक यहां रखे हैं। अगर ये शेयर अभी भी 200 में रहता तो शायद ही आपको 25 शेयर दिख रहे रहते, ठीक है दोस्तों। क्यों मैं बोल रहा हूं, आप इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। हर एक बड़े सेक्टर में है, होटल बिजनेस हो गया, आप पेपर बोर्ड बिजनेस हो गया, कॉपी बिजनेस हो गया, सिगरेट बिजनेस हो गया, इच एंड एवरीथिंग है दोस्तों। ये इसकी सेल्स देखिए क्वार्टर क्वार्टर में 13,000 करोड़ से ज्यादा की, नेट प्रॉफिट 17,000 करोड़ से ज्यादा की गाइस, ठीक है। ये सेल्स के नंबर और प्रॉफिट थोड़ा उल्टा हो गया दोस्तों, थोड़ा गलत हो गया, इसे माफ कीजिएगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। बट आप देखिए ये इस कंपनी को देखिए आप, ये प्रमोटर होल्डिंग इसमें कौन है? मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। ऑलमोस्ट डेट फ्री है गाइस ये, ठीक है। सेल्स ग्रोथ आपको 4% उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, लेकिन बात मानिए, पिछले काफी समय से इसके जो सिगरेट बिजनेस है उसमें टैक्स का ग्रहण लगा हुआ था, प्लस कोरोना वायरस के कारण सिगरेट की सेल्स प्लस होटल की सेल्स प्लस स्कूल कॉलेजेस बंद, इसलिए इसमें बहुत बड़ा डेंट लगा हुआ था। बट अब दोस्तों जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें कोई भी नया टैक्स, न्यू टैक्स इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, और ये बहुत पॉजिटिव चीज हुई है ITC के लिए। और जो अमेरिका में टोबैको की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहां ई सिगरेट अलाउड है दोस्तों, और ITC एक जबरदस्त तंबाकू बनाती है दोस्तों, मैन्युफैक्चरर है, अपने एक्सपर्टीज का ये फायदा लेकर के एक्सपोर्ट कर सकती है यूएसए को, और यही कारण है कि आप देखिए ITC में एक जबरदस्त उछाल आया है दोस्तों। एक इंसान को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए दोस्तों, गिरावट नहीं होगी मैं ये नहीं बोलता, क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका है, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म ITC इज अ मस्ट गो। अब नेक्स्ट शेयर क्या है दोस्तों, आप देखेंगे तो नेक्स्ट शेयर है कैम्स। दोस्तों इसको लेने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? पिछले काफी समय से ये ना वीक दिख रहा है, बहुत ऊपर 4,000 से लेकर के बहुत ज्यादा गिरावट हुई है शेयर में, और इसके बाद ये बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें रखना चाहिए। आप सेल्स नंबर देखिए 191 करोड़ के लगभग है, और प्रॉफिट देखिए 84 करोड़, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर है दोस्तों इसमें, सेल्स ग्रोथ 4% की है, और कैश रिजर्व आप देखिए 410 करोड़ रुपए। और जिस तरह के बिजनेस में दोस्तों SIP के, अगर आप न्यूज पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा जो लास्ट मंथ गया रिकॉर्ड SIP हुई है दोस्तों, और कैम्स जिस तरह के बिजनेस में काम करता है ना उसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी AMC ज्यादा अच्छा काम कर रही है। अगर SIP आ रही है, म्यूचुअल फंड में पैसे आ रहे हैं, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है दोस्तों कैम्स। तो फॉर लॉन्गर टर्म प्लस जो गिरावट हुई है उसमें भागीदारी के अनुसार मैं मानता हूं 2 शेयर हमें आपके शेयर में स्टॉक पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ठीक है गाइस। अब नीचे चलते हैं,
अमर राजा बैटरीज। ये भी दोस्तों पिछले काफी समय से कंसोलिडेट किया था। अगर ये शेयर अभी भी 450 या 460 के आसपास होता तो मैं आपको दो की जगह यहाँ कम से कम चार रेकमेंड कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा अपमूव दिखा चुका है इसीलिए जस्ट फॉर टू। आप इसके सेल्स नंबर देखेंगे 1886 करोड़ रुपीस, नेट प्रॉफिट 124 करोड़। दोस्तों पिछले दो साल ना इस शेयर के लिए भी अच्छे नहीं रहे, और जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो है रॉ मटेरियल में जबरदस्त प्रेशर। बट अब चीजें ठीक होंगी दोस्तों। जो आप सुन रहे होंगे बहुत समय से ब्लैकआउट ब्लैकआउट, अगर ब्लैकआउट वाकई होता है तो आपको पता है बैटरीज लगती है इन्वर्टर में, और अमर राजा बैटरी एक्साइड इनमें सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं शेयर्स को होगा। और मैंने अमर राजा इसलिए चुना है वैल्यूएशन के वाइज, प्लस जो जितनी बुरी चीजें जो भी बैड न्यूज आने की वो सब इस शेयर में कैश इन हो चुकी है, और आने वाले समय शायद आपको भागता हुआ दिखाई दे। ठीक है गाइस, तो अमर राजा बैटरी सेल्स ग्रोथ 6% की, आप देखिए इसके पास कैश रिजर्व भी 4000 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि जो ईवी की व्हीकल है उसमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए लिथियम आयन बैटरी में तो इनके पास वो पैसे हैं जिनसे वो चीजें साकार कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्या शेयर है, दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं टाटा एलेक्सी। ठीक है, ये शेयर लेने का मतलब दोस्तों केवल एक शेयर, और वो भी क्यों 6000 रुपए के इतना महंगा शेयर चल रहा है टाटा एलेक्सी। जबरदस्त रन अप दिखाया है एक शेयर, दोस्तों मेरा मानना है लेके से भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना है, मशीन लर्निंग ये सब में काम होना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टाटा एलेक्सी उन्हीं बिजनेस में काम करता है दोस्तों। और आप देखिए आने वाले समय में ये जबरदस्त रहेगा, डेट फ्री कंपनी है, 558 करोड़ रुपीज की सेल, 113 करोड़ का दोस्तों नेट प्रॉफिट आया है। सेल्स ग्रोथ देखिए पिछले 3 साल के एवरेज में 10% की तरह से घूम रहे बढ़ रही है दोस्तों ये। ठीक है, कैश रिजर्व 1000 करोड़ से ज्यादा का है, मतलब हर एक मैटर में अच्छा। दोस्तों फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो उसे टाटा एलेक्सी में एक बार जरूर रिसर्च करना चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट शेयर क्या है दोस्तों, नेक्स्ट शेयर है ट्राइडेंट ग्रुप। ये 75 मैं फिर कहूंगा दोस्तों इसीलिए रखा गया है, अगर ये भागा नहीं तो, क्योंकि बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है दोस्तों, ऑलमोस्ट 7-8 रुपए से 30-40 रुपए जा चुका है, तो मैं इसे कम से कम 200 शेयर रखता दोस्तों, बट ये थोड़ा भाग चुका है इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है हमको, ये शेयर को कॉशियसली लेना है। इससे हमने डेट जो है उसे रिड्यूस किया है, पिछले 2 सालों जिस तरह कोरोना वायरस रहा सेल्स नंबर बहुत ज्यादा मार खाए, देखिए 0% सेल ग्रोथ है ऑन एन एवरेज में, लेकिन एक देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए आप, और मैं बता दूं प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ाई हुई है। पिछला जो क्वार्टर गया है दोस्तों, पिछला जो क्वार्टर रिजल्ट आया था वो इतने स्ट्रांग आए थे कि शेयर में एक अनप्रेसिडेंटेड रैली आई थी दोस्तों। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखिए 207 करोड़ का आया है, कंपनी अच्छी है, बस एक चीज याद रखिएगा जो हाई रिस्क टेकर है वो अभी ले, क्योंकि ये शेयर बहुत ज्यादा भाग चुका है, बट मैं अभी भी बुलिश हूं, कोई भी एक डिप आता है आपको एक्यूमुलेट जरूर करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट शेयर मार्क्सन्स फार्मा। ये शेयर ना दोस्तों आने वाले समय का मैं बता दूं मल्टी बैगर, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक है दोस्तों ये। ठीक है, आप इसके सेल्स के नंबर देखिए, सेल्स की 349 करोड़ रुपीस, प्रॉफिट 63 करोड़ रुपीस, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 48.25% है, सेल्स ग्रोथ देखिए पिछले 3 साल के एवरेज 15% गाइस, कैश रिजर्व 846 करोड़, यानी हर एक पैरामीटर में है, और ये 70 शेयर है दोस्तों। अगर ये शेयर आपको कभी भी 60 के आसपास, 55 रुपए से 60 रुपीज के आसपास मिले, बहुत ही जबरदस्त जोन है दोस्तों एक्यूमुलेट करने का, करंट मार्केट प्राइस में भी एक अमाउंट आप ले सकते हैं, बट फॉर मी ये शेयर मुझे बहुत पसंद है, और मुझे लगता है मार्क्सन फार्मा बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट शेयर के पास, क्या है वो नेक्स्ट शेयर गाइस, डॉलर। देखिए डॉलर को लेने का बहुत ज्यादा मतलब मेरा यह है दोस्तों, जो इन्होंने भी जो इन्होंने टाइप किया दोस्तों आने वाले समय में पेपे जींस के साथ, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, इनको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, प्लस इनकी आप सेल्स देखिए 205 करोड़ की सेल्स है, नेट प्रॉफिट 23 करोड़ के हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। दोस्तों कभी भी अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी में जाएं तो एक चीज जरूर देखिए कंपनी कैसी है, अगर वो डेट फ्री है प्लस प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 72% से ज्यादा की है, जो कि एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज है। कैश रिजर्व मैं बता दूं आपको, ये 2500 करोड़ की सिर्फ कंपनी है, 2500 करोड़ की कंपनी के पास कैश रिजर्व 531 करोड़ रुपए, सेल्स ग्रोथ देखिए 4% की है केवल, नेट प्रॉफिट 23 करोड़ का आया है लास्ट क्वार्टर में, मतलब आप देखिए आने वाले समय का मल्टी बैगर है, लेकिन
स्मॉल कैप है, थोड़ा सा रिस्क है, इसीलिए मैंने केवल 10 स्टॉक ही से लेने की सलाह दी है। अब चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट स्टॉक के ऊपर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहते हैं जिसे, वो है दोस्तों मैं बता दूं आपको इसका नाम HUL होगा। यह HUL के में नहीं डाला गया इसके लिए सॉरी, ये HUL के ऊपर बात की गई है। देखिए आप दो नंबर ऑफ शेयर कितने, दो शेयर दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर केवल दो लेने हैं। HUL क्यों लें दोस्तों, इसमें ज्यादा मत जाइएगा, मैं आपको बता दूं सिर्फ एक रूल है, बाय ऑन डिप्स, ये रूल अपनाइएगा इस शेयर में, क्योंकि HUL बहुत पुरानी कंपनी है, जबरदस्त इसने रिटर्न दिया है। आने वाले समय में ये शेयर आपको केवल और केवल भागते हुए दिखेगा दोस्तों, कोई भी डिप आए बाय ऑन एवरी डिप्स। HUL ऐसी शेयर बिल्कुल नहीं है जहां आपको लॉस बुक करना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा एग्रेसिवली बिल्कुल मत लीजिएगा HUL को, केवल एक्यूमुलेट कीजिएगा हर एक गिरावट पे, ठीक है। तो दोस्तों ये 11 स्टॉक का मेरा पोर्टफोलियो था 51,000 रुपए के लिए। अगर आप चाहते हैं कि 51 के बाद में 1,00,000 रुपए का पोर्टफोलियो लाऊं, लाइक करके रखिएगा, लाइक्स अगर ज्यादा होंगे तो मैं 1,00,000 के पोर्टफोलियो के साथ कराऊंगा और उसमें बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन लाऊंगा। दोस्तों देखिए जो 50,000 का स्टॉक होता है ना, उसमें आपको रिस्क बहुत कम रखना पड़ता है, इसीलिए बहुत ज्यादा डिफेंसिव स्टॉक मैंने इसमें रखे हैं। अगर आप चाहते हैं 1,00,000 का पोर्टफोलियो बनाऊं तो शेयर कमेंट आप मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा और मिल करके बताइएगा कि हाँ सर 1,00,000 का पोर्टफोलियो बनाइएगा। तो दोस्तों यहां तक वीडियो देखिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आया चलो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये इस वीडियो का अंत है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।